Hey, hello everyone. Welcome back to my channel, Messed Up. मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा और आज का वीडियो होगा एक आर्ट सप्लाई हॉल वीडियो जिसमें मैंने इट्सी बिट्सी और हैंडमेड की वेबसाइट से परचेज की हुई सप्लाईज शेयर की हैं। सभी चीज़ों के प्राइस मैंने स्क्रीन पर मेंशन किए हैं, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं और सभी चीज़ों की परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप उन्हें वहाँ से चेक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने रिसेंटली परचेज की हैं और कुछ चीज़ें मैंने बहुत पहले परचेज कर ली थी, तो उनका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो रिसेंटली आई हैव डिस्कवर्ड दिस वेबसाइट हैंडमेड, जहाँ से मैंने काफ़ी सारे क्राफ्ट सप्लाईज परचेज की हैं और सबकी ही क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। स्टार्ट करते हैं इन प्लास्टिक स्टिक्स से। ये 12 का सेट है और ये मुझे 45 रुपीज़ में मिला है। इस तरह की स्टिक्स आपको रेजिन वगैरह मिक्स करने में हेल्प करती हैं, बार बार आपको वुडन स्टिक्स अपनी नहीं ख़राब करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट मैंने इस तरह का एक सिलिकॉन मोल्ड लिया है, ये एक कॉर्नर का डिज़ाइन है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और थिकनेस भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेजिन पिगमेंट भी लिया है, तो यहाँ पे मैंने इसकी क्वालिटी देखने के लिए सिर्फ एक कलर ही लिया है। उसके बाद मैंने ये मेटालिक अल्कोहल इंक लिया है, ये कॉपर पैनी के शेड में है। उसके बाद मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड लिया है जिसके अंदर काफ़ी सारे शेप्स हैं। उसके बाद मैंने ये कुछ गिल्डिंग फ्लेक्स ली हैं, ये कॉपर पैनी के शेड में हैं। इनका शाइन और क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ गोल्ड लीव्स भी ली हैं, ये 25 लीव्स का सेट है, जस्ट इन 72 रुपीस। उसके बाद मैंने कुछ सीक्वेंस लिए हैं, तो ये एक्रेलिक के हार्ट्स हैं। और ये कुछ छोटे छोटे से कलरफुल हार्ट्स हैं। ये कलरफुल हार्ट्स हैं, आप इसे सिंगल कलर में भी परचेज कर सकते हैं। इस तरह के छोटे सीक्वेंसेस आपके किसी भी डिज़ाइन को इंस्टेंटली इन्हांस कर देते हैं। उसके बाद मैंने कुछ रेजिन स्टोन परचेज किए हैं, आप देख सकते हैं कितने शाइनी स्टोन्स हैं। आप इन्हें रेजिन आर्ट के अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्लॉक मेकिंग के लिए मैंने ये क्लॉक हैंड और ये क्लॉक मशीन परचेज की है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कोस्टर के बेस खरीदे हैं, तो ये सारे ही बेस काफ़ी डिफरेंट मटेरियल्स के हैं। तो जैसे कि ये कोस्टर ब्लैक एक्रेलिक का है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ और शाइनी सरफेस है इनका। इसके ऊपर लगी हुई इस लेयर को आप रिमूव करके डायरेक्टली इन कोस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इनके साथ DIYs भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाइट एक्रेलिक बेस। इन कोस्टर्स की क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई, आपको ये 4 के सेट में मिलते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ कुछ क्लियर एक्रेलिक कोस्टर्स लिए हैं, जिसमें मैंने ये राउंड शेप और एक हेक्सागोनल शेप लिया है। तो दोनों साइड की लेयर मैं रिमूव करके आपको दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा क्लियर है ये। आप इसके ऊपर रिवर्स पेंटिंग, रिवर्स डेकोपाज कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर इफ़ेक्ट आएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ कुछ MDF के कोस्टर्स भी परचेज किए हैं, तो सारे ही कोस्टर्स आपको 4 के सेट में मिलते हैं।
उसके बाद मैंने ये कुछ टेसल्स लिए हैं। नेक्स्ट आप उनके स्टेंसिल की रेंज को भी ज़रूर चेक करें, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्टेंसिल वहाँ अवेलेबल हैं, जिसमें से मैंने ये 3 स्टेंसिल्स लिए हैं। तो ये स्टेंसिल्स मैंने कुछ टाइम पहले लिए थे और इनको यूज़ करके मैंने कुछ DIYs भी क्रिएट किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किए हैं ये ट्रांसफ़र शीट्स। ये शीट 75 रुपीज़ ईच हैं और इनकी क्वालिटी और प्रिंट्स भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी डिफरेंट और यूनिक डिज़ाइंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इनके सारे प्रिंट्स बहुत ही क्यूट और वाइब्रेंट हैं, आप ज़रूर चेक करें इनकी ट्रांसफ़र शीट्स को। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है डेकोपाज पेपर, ये A4 साइज़ में है एंड दिस इज़ 99 रुपीज़ ईच और सारे पेपर पैक्स में आपको 4 डिज़ाइंस मिलते हैं। डेकोपाज पेपर की वैरायटी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी और यूनिक है, इस तरह के प्रिंट्स मैंने और किसी वेबसाइट में अभी तक नहीं देखे थे, बहुत ही अच्छे और विंटेज प्रिंट्स हैं इनके पास। आपको ये 2 साइज़ में अवेलेबल हैं, ये 12x12 का साइज़ है, इसके अंदर भी आपको 4 डिज़ाइंस मिलते हैं। और ये डेकोपाज पेपर तो मेरा फेवरेट है, इसके प्रिंट्स आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट मैंने परचेज़ किया है ये पेपर पैक, ये 6x6 की साइज़ है और इसका थीम विंटर स्टोरी है, दैट मीन्स इसके जितने भी प्रिंट्स हैं वो विंटर से रिलेटेड हैं। तो आपको 6x6 की यहाँ 24 शीट्स मिलती हैं जिसमें 12 डिज़ाइंस हैं। उसके बाद मैं आपके साथ कुछ नैपकिन पेपर शेयर करना चाहूँगी, बहुत ही अच्छी और डिफरेंट प्रिंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। आपको यहाँ पर एक नैपकिन पेपर नहीं मिल पाएगा, आपको यहाँ 5 का सेट लेना पड़ेगा, बट फिर भी वो काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पर है तो मैंने बहुत सारे पिक कर लिए हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ MDF बेस परचेज़ किए हैं, तो ये मैंने MDF का 8 इंच का राउंड सर्कल लिया है, थिकनेस इसकी 5 mm है। उसके बाद मैंने एक ये MDF ट्रे परचेज़ की है, इस तरह की ट्रेस को आप बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक यूज़ करके अपने लिए डेकोरेट कर सकते हैं। MDF का क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मैंने इस तरह का एक बॉक्स लिया है, तो ये 6x6 का बॉक्स है और ये 215 रुपीज़ में मुझे मिला है, थिकनेस और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इस बॉक्स की। उसके बाद मैंने ये MDF का एक क्लॉक बेस परचेज़ किया है, ये 12 इंच का क्लॉक बेस है और इसकी थिकनेस 5 mm है। नेक्स्ट मैंने MDF का 12 इंच का एक राउंड सर्कल लिया है, इसकी थिकनेस भी 5 mm है। नेक्स्ट मैंने एक ये क्लियर एक्रेलिक बेस लिया है, ये क्लॉक बेस है 12x12 का। और लास्ट में मैंने इस वेबसाइट से कुछ वुड स्लाइसेस परचेज किए हैं, इन वुड स्लाइसेस को आप कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए या DIY करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने इट्सी बिट्सी से क्या क्या परचेज किया है। तो स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत फूलों से, तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी मैंने इट्सी बिट्सी से परचेज किए हैं। जी हाँ, ये वही फ्लावर्स हैं जो मेरे टेबल के साइड पर आप सारी वीडियोस में आजकल देख रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिटिल बर्डी के ये मेटालिक पेंट्स परचेज किए हैं, तो मैंने सबसे पहले ये येलो मेटालिक पेंट लिया था जो कि काफ़ी एंटी गोल्ड जैसा कलर है, पर रिसेंटली इट्सी बिट्सी पर चल रही सेल की वजह से मैंने और भी कलर्स यहाँ परचेज किए हैं।
उसके बाद मैंने ये इपॉक्सी रेजिन लिया है जिसका वीडियो मैंने रिसेंटली ही आपके साथ शेयर किया था। नेक्स्ट मैंने ये रेजिन पिगमेंट्स लिए हैं, तो रिसेंटली मैंने एक रेजिन आर्ट का वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें इन पिगमेंट्स को मैंने यूज़ किया है। अगर आप भी रेजिन आर्ट में बिगनर हैं तो आप इस तरह की छोटी पैकेजिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ लिए हैं ये फेरी स्पार्कल्स, बहुत ही ग्लिटरी और शाइनी हैं और आपको काफ़ी सारे कलर्स में ये मिल जाएंगे। और ये मेरे पास फेरी डस्ट पाउडर है, तो फेरी डस्ट और फेरी स्पार्कल्स में इनके पार्टिकल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद ये मेरे पास हार्ट वाले स्पार्कल्स हैं, इसमें हार्ट शेप और स्पार्कल्स मिक्स हैं। मैंने इन्हें रेजिन आर्ट में यूज़ किया था, उसका वीडियो अगर आपने नहीं चेक किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने ये मेटालिक वैक्स परचेज की है, ये मेरे पास कॉपर शेड में है। इससे आप अपने प्रोजेक्ट्स को एंटिक फिनिश दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसके साथ आता है। बात करते हैं चॉक पेंट्स की, तो लिटिल बर्डी के चॉक पेंट्स तो सब कोई जानता है, बहुत ही अच्छी वैरायटी और कलर्स इनके पास अवेलेबल हैं। मेरे पास चॉक पेंट्स दो साइजेस में हैं, ये 60 ml के बॉटल्स हैं जो कि 6 के सेट में मिलते हैं, और ये 50 ml का पैक है जिसे आप इंडिविजुअल ले सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये मल्टी सर्फेस पेंट्स हैं, आप इन्हें एक्रेलिक पेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी सारे डिफरेंट सर्फेसेस के लिए बने हैं। उसके बाद मैंने लिया है वाइट जेसो, तो ये मैंने रीस्टॉक किया है, एक बॉटल मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड बॉटल है। उसके बाद मैंने लिया है ये मिक्स मीडिया पेस्ट, इसे 2-in-1 पेस्ट कहते हैं। ये जेसो और स्टेंसिलिंग पेस्ट दोनों ही तरह यूज़ हो सकता है, पर मैंने इसे जेसो की तरह यूज़ नहीं किया है, मैंने इसके साथ स्टेंसिलिंग की है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद मेरे पास ये डेकोर वार्निश है जो कि मेरे हर प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट यूज़ होता है, तो मेरे पास ये मैट और ग्लॉस दोनों फिनिश में हैं, आप कोई भी एक परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने ये मॉड पॉच लिया है जो कि डेकोपाज में बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद मेरे पास कुछ स्कल्पचर पेस्ट हैं, काफ़ी टाइम पहले मैंने स्कल्पचर आर्ट ट्राई किया था और आप सबके साथ शेयर भी किया था, आप सब लोगों को वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे भी उसे बनाने में बहुत अच्छा लगा। आगे भी मैं उस तरह के स्कल्पचर आर्ट ट्राई करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने ये लिटिल बर्डी के कॉन्सेंट्रेटेड वाटर कलर्स लिए हैं, मैंने अभी 6 बॉटल्स परचेज की हैं, इनकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई है, कुछ कलर्स मैं अभी और परचेज करूँगी। उसके बाद मैंने लिटिल बर्डी के अल्कोहल इंक्स परचेज किए हैं जिसमें मैंने 5 कलर्स लिए हैं और उसके बाद एक ब्लेंडिंग सॉल्यूशन। अल्कोहल इंक आर्ट भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी अपने चैनल पर शेयर करूँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट मैंने कुछ डेकोपाज पेपर परचेज किए हैं, ये आपको 4 शीट्स मिलती हैं जिसके अंदर 2 डिज़ाइंस हैं, काफ़ी सुंदर और प्यारे प्यारे डिज़ाइंस इनके पास हैं। उसके बाद मेरे पास ये कुछ फिलामेंट डेकोपाज पेपर्स हैं, इसके अंदर 2 शीट्स हैं इन 2 डिज़ाइंस। उसके बाद मेरे पास ये डेको ट्रांसफ़र शीट्स हैं जिसमें मेरे पास 2 साइजेस हैं, तो ये बड़ा वाला साइज़ है और ये कुछ छोटे साइजेस हैं, तो ट्रांसफ़र शीट्स की भी काफ़ी ह्यूज वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और काफ़ी सारे न्यू डिज़ाइंस भी ऐड होते रहते हैं। उसके बाद मेरे पास कुछ स्टेंसिल्स हैं जिन्हें मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ किया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ये ब्रिक स्टेंसिल मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है और ये एक छोटू सा स्टेंसिल है, इसे यूज़ करके मैंने एक बॉक्स को पेंट किया था, उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
उसके बाद मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड्स भी परचेज़ किए हैं, तो इनके सिलिकॉन मोल्ड्स की क्वालिटी मैं कहूँगी बहुत अच्छी है। थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो ये मेरे पास एक गियर वाला मोल्ड है और मेरे पास इस तरह का एक छोटा लालटेन वाला मोल्ड है, तो इन्हें भी मैं यूज़ करके जब भी DIYs बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैंने इट्सी बिट्सी से कुछ MDF के बेस परचेस किए हैं। तो ये 12 इंच का बेस है, इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 5 mm है। उसके बाद मेरे पास कुछ डिज़ाइनर बेस हैं जिसके बॉर्डर पर इस तरह का थोड़ा सा डिज़ाइन होता है। तो इस बोर्ड पर मैं एक DIY करने जा रही थी जिसकी वजह से मैंने इस पर वाइट जेसो अप्लाई कर दिया है। तो MDF की चीज़ों पर जेसो अप्लाई करके रखने से उन पर मोल्ड्स वगैरह नहीं लगते हैं। नेक्स्ट मैंने ये MDF का फ्रेम परचेज किया है जिसके पीछे इस तरह का स्टैंड भी दिया हुआ है। तो इस स्टैंड को आप रिमूव कर सकते हैं और इसे वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास एक ये छोटा सा 6 इंच का MDF बेस है। नेक्स्ट मैंने कुछ ये कोस्टर के बेस लिए हैं, तो इनकी थिकनेस काफ़ी अच्छी है और ये सारे बेस मैंने 2 के सेट में लिए हैं। तो इन MDF बेसिस को यूज़ करके आप अपने लिए कोस्टर्स भी बना सकते हैं, आप इनसे वॉल हैंगिंग्स भी बना सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, ये पेपर मैशे के अल्फ़ाबेट्स हैं। ये MDF जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते हैं पर आप इन्हें डेकोरेट करके कहीं पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इन लेटर्स को यूज़ करके भी मैंने एक DIY सोचा है, उस प्रोजेक्ट को भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने ये मैक्रमे कॉर्ड ली है, तो ये काफ़ी थिक कॉर्ड है, आप इसे चीज़ों को रैप करने के लिए या हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैक्रमे कॉर्ड की काफ़ी सारी डिफरेंट थिकनेस आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि ये है, ये काफ़ी ज़्यादा थिन है, आप इससे स्मॉल मैक्रमे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद मैंने ये कुछ सोप बेस लिया है, ये ट्रांसपेरेंट सोप बेस है। तो इट्सी बिट्सी पर आपको इस तरह की क्राफ्ट सप्लाइज भी मिल जाती हैं, आप कैंडल मेकिंग, सोप मेकिंग, इस तरह की चीज़ें भी वहां पर परचेज कर सकते हैं। सोप मेकिंग को मैं यहां ट्राई करना चाहती थी जिसके लिए मैंने ये सब चीज़ें परचेज की हैं। नेक्स्ट मेरे पास इस तरह के थ्रेड्स हैं, तो मेरे पास ये 4-5 कलर्स थे जिनमें से अब ये सिर्फ 3 ही मेरे पास बचे हैं, तो मैं इन्हें क्रोशिया के लिए यूज़ करती हूँ, अपने क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में भी इन्हें मैं यूज़ करती रहती हूँ। इट्सी बिट्सी पे आपको हैंडमेड फ्लावर्स की ह्यूज वैरायटी देखने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स रहते हैं और वो सारे हैंडमेड रहते हैं। तो मेरे पास फ्लावर्स का कोई बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं है, बस कुछ 1-2 फ्लावर्स ही मैंने अभी तक परचेज किए हैं। और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये डेकोपाज नैपकिन पेपर्स जिन्हें मैंने इट्सी बिट्सी से बाय किया है। तो इट्सी बिट्सी पर भी आपको नैपकिन के बहुत अच्छे वैरायटीज़ मिल जाएंगे, तो आप इट्सी बिट्सी पर नैपकिन पेपर का कलेक्शन ज़रूर चेक करें। तो आज का क्राफ्ट हॉल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इन सभी क्राफ्ट सप्लाईज़ को यूज़ करके आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट DIYs लेकर आने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।